संक्रमण काल में जहां पूरा देश बीते लगभग 4 महीनों से पूरी तरह से लॉकडाउन झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट शिक्षा संस्था है वह पूरी तरह से बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभिभावक उन विद्यालय के शिक्षा शुल्क को जमा करते करते परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर सेंट जोसेफ गोरखनाथ ब्रांच पर आज सुबह 7:30 बजे सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अश्विन का धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उनके हाथ में एक तख्ती थी और उस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, स्कूल जब से फीस तब से। बात करने पर पता चला कि यह स्कूल और इसकी तरह तमाम ऐसे स्कूल हैं महानगर में जो मार्च अप्रैल मई की फीस भी अभिभावकों से वसूल रहे हैं और अगर अभिभावक देने में असक्षम है तो उसके बच्चों को उस विद्यालय से बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोरोना संक्रमण काल में देश का आर्थिक पहिया थम सकता है तो आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। सेंट जोसेफ स्कूल पर धरना देने वाले अभिभावकों ने जिलाधिकारी गोरखपुर से भी मिलने की बात की है और वक्त आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अभिभावक मिलेंगे। एक अभिभावक ने बताया कि 3 महीने की फीस हमको 60,000 देनी है, घर में एक पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में या तो हम बच्चों को घर बैठा दें या फिर कुछ बेच कर स्कूल की फीस अदा करें। मुद्दा यह है कि मैं विगत 12 सालों से बच्चे को पढ़ा रहा हूं, कई लाखों रुपए स्कूल को दे चुका हूं, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई थी। आज कोरोना से पूरा देश ही हमारा संकट में जूझ रहा है और हमारी इनकम का स्रोत पिछले 5 महीना से एकदम जीरो हो चुकी है। स्कूल से बराबर प्रेशर आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि आप अपने बच्चों का फीस जमा कर दीजिए। दो दो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, 20 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, 62,000 रुपये। बताइए हम 62 पैसा नहीं कमा पाए और 62,000 रुपये कहाँ से दूँ? वो भी स्कूल अगर पढ़ाया रहा था तो मैं कर्ज लेकर कहीं से पढ़ा सकता था, लेकिन आज स्कूल जबरदस्ती के न क्लास चल रहा है, ये इंटरनेट के द्वारा बोल रहे हैं कि पढ़ाया जा रहा है, बच्चे एग्जाम ले ले अगर 10% भी नंबर आ जाए उनका, वो बोलते हैं खुद पापा मैं क्या देखूं इस मोबाइल में, और एक मोबाइल घर में है, हम 4 परिवार रहते हैं, दो बच्चे पढ़ते हैं तो दो मोबाइल उनको 20,000 का खरीद के दूं, यहाँ तो पैसे लाला पड़े हैं खाने के लिए। इसी समस्या को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कॉलेज को कि कम से कम जो अप्रैल मई जून की फीस है उसको तो एकदम नगण्य कर दिया जाए, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। उसके बाद जुलाई से अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो जो ट्यूशन की फी होती है 1,000-1,200 रुपया वो हम लोग पे करेंगे, और वो भी प्रेशर न दिया जाए कारण कि डेट न दिया जाए कारण कि पूरा देश ही आज सरकार की जितनी संस्थाएं हैं प्राइवेट संस्थाएं सब कुछ बंद है, तो प्रेशराइज न किया जाए, वो पैसा जो जुलाई से होगा वो हम लोग देंगे, लेकिन एक जो ट्यूशन फी है उसी को देंगे, और जब से स्कूल खुल जाएगा फिर हम लोग जैसे पहले चलता था वैसे करेंगे। स्कूल में पढ़ती है, 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पढ़ती है, एक सिविल लाइन पर, लेकिन जो है उसमें मैसेज आ रहा है कि आप लोग फीस 20 तक जमा करिए। मेरे प्राइवेट जो है, मेरे हस्बैंड जो है प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, वो गए हैं सेल पेमेंट अपना मांगे हैं, तो बोले हैं कि जब हमारा काम ही नहीं हुआ है तो हम कहाँ से आपको पेमेंट दें। तो बताइए सर, हम अगर पाएंगे नहीं तो हम इन लोगों को देंगे कहाँ से? आई है 22,000 रुपया इनका। ये दिक्कत है कि समय मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है और स्कूल में फीस की डिमांड की जा रही है। मेरा बेटा इंटर का स्टूडेंट है, लड़की मेरी 7th की स्टूडेंट है और मैं खुद आंगनबाड़ी में सर्विस करती हूँ, मेरा भी मानदेय नहीं आया है। किसकी स्कूल की फीस तो इस समय वो मांग रहे, 7th की फीस मांग रहे 39,050 रुपये। अब ये चाहते हैं जब से स्कूल तब से फीस।